हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 में आपका स्वागत है। पीछे हम इस प्रश्नावली के बारे में परिचय कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सीधा प्रश्नावली 9.1 को शुरू करते हैं। आप पदों के बारे में गुणनखंड, गुणांक, एक पद, द्विपद, त्रिपद, इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से संबंधित जो सारे पॉइंट्स थे वो हम पीछे वाले वीडियो में, परिचय वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधे प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 5xyz2 - 3zy। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास व्यंजक दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें प्रत्येक के अंदर पद और गुणांक को बताना है। यहाँ पर हमारे पास पद हो जाएंगे, पहला पद होगा 5xyz2 और दूसरा पद होगा -3zy। तो इस पद का जो गुणांक है वो हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि मैंने बताया था गुणांक होता है वो संख्यात्मक होता है, संख्यात्मक गुणनखंड, संख्यात्मक यानी संख्या वाला। तो इसके अंदर, इस पद के अंदर संख्यात्मक क्या है, सिर्फ 5, तो गुणांक हो जाएगा 5। इस पद का गुणांक क्या होगा जो संख्यात्मक है, वो है -3। यहाँ पर जो पद होगा वो, सॉरी गुणांक होगा वो -3 होगा, न कि 3। क्यों? क्योंकि संख्यात्मक जो गुणांक है वो -3 है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 1 जमा x जमा x की 2। ये जो व्यंजक है इसके अंदर 3 पद हैं, 1 2 3। पहला पद 1, दूसरा पद x और तीसरा पद x की 2। पहले पद 1 का गुणांक क्या होगा, अब 1 के साथ में क्या है, 1 है तो 1 कहलाएगा। इस x का गुणांक क्या होगा जो इसके साथ में, x के साथ में क्या है, यहाँ पर x के साथ में 1 है, क्योंकि x को हम 1x लिख सकते हैं, तो x का गुणांक हो जाएगा 1। x की 2 के साथ में भी कितना है, 1, इसका गुणांक भी हो जाएगा 1। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है 4x2y की 2 - 4x2y की 2 z की 2 - z की घात 2। यहाँ पर भी इस व्यंजक के अंदर 3 पद हैं, पहला पद है 4x2y की 2, इस पद का गुणांक हो जाएगा 4। दूसरा पद है हमारे पास ये -4x2y की 2 z की 2, इस पद का गुणांक हो जाएगा -4। तीसरा पद है z की 2, इसका गुणांक हो जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है तो हम 1 को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम z की 2 को ले सकते हैं, 1 गुणा z की 2। 3 - PQ - QR - RP। तो इस व्यंजक के अंदर भी 4 पद हैं, 1 2 3 4। पहला पद है 3, 3 का गुणांक होगा 1। दूसरा पद है -PQ, इसका गुणांक हो जाएगा -1। तीसरा पद है QR, इसका गुणांक होगा 1। चौथा पद है -RP, इसका गुणांक होगा -1। फिफ्थ पार्ट है x/2 - y/2 - xy। इस व्यंजक के अंदर 3 पद हैं, 1 2 3। पहला पद है x/2, दूसरा पद है y/2, तीसरा पद है -XY। तो पहला पद x/2, इसका गुणांक क्या होगा जो इसके साथ में संख्यात्मक राशि है, कितनी है वो, 1/2, इसका गुणांक हो जाएगा 1/2, इसका गुणांक क्या होगा, -1। छठा है 0.31A - 0.6AB - 0.5B। यहाँ पर भी इस बीजीय व्यंजक के अंदर 3 पद हैं, पहला पद है 0.3A, दूसरा पद है 0 - 0.6AB, तीसरा पद है 0.5B। पद का गुणांक क्या हो जाएगा जो इसके साथ संख्यात्मक है, 0.3। दूसरे पद का गुणांक क्या हो जाएगा, -0.6। तीसरे पद का गुणांक हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के पद हो जाएंगे ये इसके गुणांक होंगे। इसी प्रकार सेकंड पार्ट के अंदर पद हो जाएंगे इसके ये, और ये होंगे इन पदों के गुणांक। इसी प्रकार थर्ड पार्ट के अंदर, फोर्थ
4xy की 2 पहला पद है, दूसरा पद है 4x की 2 y की 2 जड़ की 2, तीसरा पद है जड़ की 2। गुणांक हो जाएंगे 4 घटा के 4 और 1। इसी प्रकार है फोर्थ पार्ट, 3 घटा PQ जमा QR घटा RP। यहाँ पर पहला पद है 3, दूसरा है -PQ, तीसरा है QR, चौथा पद है घटा के RP। तो इसका पहले पद गुणांक हो जाएगा 3, दूसरे पद का गुणांक हो जाएगा घटा के 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक घटा के 1। इसी प्रकार बच्चों पांचवा पार्ट है x/2 जमा y/2 घटा xy, पद हो जाएंगे x/2 y/2 और xy, इसका गुणांक 1/2, इसका गुणांक 1/2, x घटा के एक्स वाई का गुणांक घटा के 1। सिक्स्थ पार्ट के अंदर 0.3a पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद घटा के 0.6ab, तीसरा पद 0.5b। पहले पद का गुणांक 0.3, दूसरे का गुणांक घटा के 0.6, और तीसरे पद का गुणांक हो जाएगा 0.5। तो आप आसानी से इन पदों को और इनके गुणांकों को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? यहाँ पर हमें बहुत से पद दिए हुए हैं, हमें उनमें से एक पद, द्विपद और त्रिपद को छांटना है और बताना है कि कौन सा पद ऐसा है जो इन तीनों श्रेणियों में, जो एकपदी भी नहीं हो, द्विपद भी नहीं हो और त्रिपद भी नहीं हो। तो बच्चों ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ये एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले है x/y, ये जो पद हमारे पास है ये द्विपद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 2 पद है, ये द्विपद हो जाएगा। अगला है 1000, यहाँ पर सिर्फ अकेला 1000 है, एक पद है, ये एक पद ही हो जाएगा। नेक्स्ट है x/x की 2 जमा x की 3 जमा x की 4, यहाँ तक। तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 4 पद हैं, तो ये इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आएगा। क्यों? एक पद भी नहीं है, द्विपद भी नहीं और त्रिपद भी नहीं है, तो ये वाला है, ये इन श्रेणियों में से किसी के अंदर भी नहीं आएगा। अगला है 7/y/5x, 1 2 3, 3 पद हैं, त्रिपद। अगला है 2y/3y की 2, 1 2 2 पद, ये द्विपद है। फिर है 2y/3y की 2 जमा 4y की 3, 1 2 3, 3 पद हैं, त्रिपद कहलाएगा, तो ये त्रिपद की श्रेणी में आएगा। अगला है 5x/4y जमा 3xy, 1 2 3, 3 पद हैं, तो ये त्रिपद कहलाएगा। 4z/15, 4z/15z की 2, 1 2 2 पद हैं, द्विपद में आएगा। अगला है ab/bc/cd/da, 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, तो ये तीनों श्रेणियों में से किसी के अंदर भी नहीं आएगा। अगला है PQR, सिर्फ एक पद है, PQR एक पद है, एक पद ही कहलाएगा। अगला है p/q/p/q/2, 1 2 2 पद हैं, द्विपद कहलाएगा। फिर है 2p/2q, 1 2 2 पद हैं, द्विपद की श्रेणी में आएगा। जो पद दिए हुए हैं आपको ये देखना है कि उन चर या अचर राशि के बीच में जमा या घटा का निशान है या नहीं। अगर उनके बीच में जमा घटा का निशान नहीं है तो वो एक पद ही कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर है PQR, यहाँ पर तीन चर राशि है PQR, लेकिन इन तीनों चर राशियों के बीच में न जमा है ना ही घटा है, तो ये एक पद कहलाएगा। इसको आप एक पद ही कहेंगे, त्रिपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन पी क्यू आर के बीच में न जमा का निशान है ना ही घटा का निशान है। यहाँ पर जैसे ये x/y, इन दोनों चरों के बीच में जमा का निशान है, तो ये एक पद ही नहीं, दो पद हो जाएंगे, 1 और 2, द्विपद कहलाएगा। जो प्रश्न संख्या 2 के अंदर एक पद ही हमारे पास हो जाएंगे 1000 और PQR, द्विपद हमारे पास हो जाएंगे 4x/y 2y/3y की 2, 4z/15z की 2, p/q/p/q/2 जमा 2p/2q, 5 पद हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5। त्रिपद हमारे पास हो जाएंगे 7/y/5x 2y/3y की 2 जमा 4y की 3, और तीसरा होगा 5x/4y जमा 3xy।
जो पद किसी भी श्रेणी में नहीं आते, यानी जो एक पदी भी नहीं है, द्विपद भी नहीं है और त्रिपद भी नहीं है, वो हमारे पास है दो, एक्स जमा एक्स की दो जमा एक्स की तीन जमा एक्स की चार, दूसरा ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चार चार पद हैं। प्रश्न संख्या तीन है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें व्यंजकों को आपस में जोड़ना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तीन व्यंजक दिए हुए हैं, इसी प्रकार सेकंड पार्ट के अंदर है, थर्ड में और फोर्थ में। यहाँ पर हमें इन व्यंजकों को जोड़ना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनको लिख लेते हैं, ए बी घटा बी सी जमा बी सी घटा सी ए जमा सी ए घटा ए बी। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ए बी जमा का है, यहाँ पर ए बी घटा है, ये आपस में कट जाएगा। बी सी जमा है, बी सी घटा है, एक जमा एक घटा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी ए जमा है, सी ए घटा है, ये भी कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो, क्योंकि कोई भी हमारे पास बचा नहीं, तो जीरो। सेकंड पार्ट हमारे पास, इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए घटा बी जमा ए बी जमा बी घटा सी जमा बी सी जमा सी घटा ए जमा ए सी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए है, सबसे पहले ए जमा है, यहाँ पर ए घटा का है, आपस में कट जाएंगे। इसके बाद देखिए बी है, यहाँ पर हमारे पास घटा का, यहाँ पर बी है जमा का, ये कट जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, सी सी जमा है, सी घटा है, ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचेगा ए बी जमा का, बी सी भी जमा का और ए सी या सी ए भी जमा का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको और करेंगे हम, दो पी की दो क्यू की दो घटा तीन पी क्यू, लिखेंगे पहले इनको हम, जमा पाँच जमा सात पी क्यू घटा तीन पी की दो क्यू की दो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर है पी की दो क्यू की दो, इस चर के अंदर पी की दो क्यू की दो चर के अंदर एक समान चर में कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है पी की दो क्यू की दो समान पद, हम ढूंढेंगे इसके अंदर समान पद। पहले मैंने पीछे बताया समान पद वो होते हैं जिनके चर हों वो एक समान हों। तो यहाँ पर पी की दो क्यू की दो, यहाँ पर है घटा का तीन, यहाँ पर है जमा के दो, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे हम, दो पी की दो क्यू की दो घटा तीन पी की दो क्यू की दो। इसके बाद पी क्यू घटा का तीन पी क्यू और जमा का सात पी क्यू। इसके बाद अचर राशि हमारे पास है चार और पाँच, इसको यहाँ लिख लेंगे बाद में। फिर इसको हल करेंगे आगे, दो पी की दो क्यू की दो जमा का है और तीन है वो घटा का है, तो हमारे पास घटा का एक बच जाएगा, पी की दो क्यू की दो। इसी प्रकार यहाँ पर सात पी क्यू जमा का है और तीन पी क्यू घटा का है, तो हमारे पास बच जाएगा जमा का चार, सात में से तीन गया चार, जमा का चार पी क्यू जमा चार और पाँच नौ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पास एल की दो जमा एम की दो जमा एम की दो जमा एन की दो जमा एन की दो जमा एल की दो जमा दो एल एम जमा दो एम एन जमा दो एन एल। तो इसको हल करेंगे हम, एल की दो जमा एम की दो जमा एम की दो जमा एन की दो जमा एन की दो जमा एल की दो जमा दो एल एम जमा दो एम एन जमा दो एन एल। इन सब को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एल की दो यहाँ पर भी है, एल की दो यहाँ पर भी है, तो दो एल की दो, एल की दो कितनी बार है, दो बार, एम की दो भी दो बार है, तो दो एम की दो। इसी प्रकार एन की दो भी दो बार है, तो दो एन की दो। फिर इसके बाद हमारे पास है दो एल एम जमा दो एम एन जमा दो एन एल। अब कोई नहीं जुड़ेगा इसके अंदर क्योंकि सब है वो अलग अलग हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा
इस क्वेश्चन का आंसर।